प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी। हम सब आनंदित हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। परमेश्वर ने हमें ये परिवार दिया है कि हम सब मिलकर एक परिवार होकर एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप लोगों को हमारे जीवन में दिया। हम सब बहुत आनंदित हैं। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करें, उससे प्रार्थना करें। आज की सुबह में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर सुनने वाला और हर एक कामों को करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को सुनें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मत डर, केवल विश्वास रख। आज एक गवाही से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। भाई प्रशांत ने हमें बताया कि उनकी किडनी में स्टोन थे, परंतु जब उन्होंने प्रार्थना सुना और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उन्हें स्टोन की बीमारी से, किडनी स्टोन से पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में याईर के बारे में पढ़ते हैं। याईर जो कि आराधनालय का सरदार है, और एक बार याईर की बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई कि वो मरने पर थी। तो याईर यीशु मसीह के पास गए और याईर ने यीशु मसीह से कहा कि हे गुरु, तू मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने पर है, तू उस पर हाथ रख और वो चंगी हो जाएगी। और यीशु मसीह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वो सब उसके घर के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद याईर के घर से कुछ लोग आए और उन्होंने याईर से कहा, याईर अब यीशु मसीह को कष्ट मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। यह सुनकर याईर बहुत डर गया, घबरा गया, निराश हो गया और मानो कि उसका संसार टूट गया, मानो कि सब कुछ खत्म हो गया। परंतु यह सुनकर यीशु मसीह ने इन सब बातों को अनसुना किया और यीशु मसीह ने याईर से कहा कि याईर मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। याईर मत डर, केवल विश्वास रख। और याईर ने यीशु मसीह की बात पर विश्वास रखा और जब वो सब लोग याईर के घर में पहुंचे तो याईर के घर में सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, तुम क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो, वो लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। जब यीशु मसीह उस लड़की के पास गए, यीशु मसीह ने उस लड़की को छुआ और उस लड़की से कहा, हे बेटी उठ, और वो लड़की उठ गई और चलने फिरने लग गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो लड़की मुर्दा हो गई थी, जो लड़की मर चुकी थी, उस लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी याईर की तरह परिस्थितियां हो, जब आपके जीवन में दुख हो, परेशानियां हो, संकट हो, निराशाएं हो, डर हो, और आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। और यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देख। मेरे प्रियो, केवल विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। याईर की परिस्थितियां तो विपरीत थी, याईर की परिस्थितियों में तो सब कुछ खत्म हो गया था। याईर ने उन परिस्थितियों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आप अपनी परिस्थितियों पर विश्वास न करें, अपनी परिस्थितियों को न देखें, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, जो कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास रखेंगे तो यीशु मसीह आपके लिए भी वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने याईर के लिए किया। उसकी बेटी को उन्होंने मुर्दों में से जिंदा कर दिया। जिस घर में मातम था, जिस घर में रोना था, जिस घर में दुख था, उस घर में अब खुशियां आ गई, उस घर में अब आनंद आ गया, उस घर में अब आशीषें आ गई। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी करेगा। आपके घरों में भी परमेश्वर दुख को आनंद में बदल देगा, मातम को खुशियों में बदल देगा और आशीषों को दे देगा। मेरे प्रियो, इसलिए डरे नहीं, केवल विश्वास रखें, डरे नहीं, केवल विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आप उस पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह आज सुबह में आपसे कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख, मत रो, केवल विश्वास रख। और यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जिस प्रकार से याईर ने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखी, उसी प्रकार से मेरे प्रियो,
हो, यदि आप विश्वास रखोगे तो आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अब चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपकी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, परंतु विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा और आप उसकी महिमा को देखने पाओगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं, जो सर्वशक्तिमान है, जो प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। हम उसकी ओर अपनी निगाहों को उठाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके सामने अपने मुंह को खोलें, उससे अपने मन की बातों को कहें, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते यीशु मेरे पिता मेरे अब्बा, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। ओ सेनाओं के प्रभु, ओ एल सदाई एडोनाई इन्फिनेटिव एलोहिम परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। ओ यहुआ शम्मा यहुआ नीसी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु तू ही प्रभु हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ पिता, कि रात भर में मीठी और अच्छी नींद देखकर प्रभु जी आज का नया भोर का प्रकाश आपने हम सब के जीवनों में दिया है पिता। जब ये भाई ये बहन प्रभु जी मेरे साथ मिलकर प्रभु जी तेरे सम्मुख आ रहे, प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे लॉर्ड फादर, आप इन्हें जुम्बिस करें, आप इन्हें अपनी प्रेजेंस से भरें लॉर्ड, आप इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए लॉर्ड, ये आपकी प्रेजेंस को फील करें अभी और इसी वक्त आज की सुबह में मेरे पिता। ये जीवन का अपने इस आज के दिन का पहला समय जो निकाल कर तुझे दिया है लॉर्ड, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के सुबह में पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, होली स्पिरिट आप आ जाइए और हमें गाइड करें, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें आज के दिन भर में हर एक काम को करने के लिए। पवित्र आत्मा आप इस भाई इस बहन को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं, पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें हर एक मार्ग में ले चले जो सही है, जो सही है पिता, आप इन्हें उस मार्ग में अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर और ताए हुए वचन के लिए प्रभु, जिसका हम आदर करते हैं सच में मेरे पिता। जिस वचन के द्वारा आज आपने इस भाई इस बहन से, इनके परिवार के हर एक सदस्य से आपने बातचीत किया पिता, सच में मेरे पिता हम धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस सुबह में मेरे पिता आपका प्रकाश प्रभु हम सब पर चमके पिता, इस भाई इस बहन पर चमके पिता। होने दे प्रभु अपने जीवन में तेरे वचन के अनुसार चले पिता, ना कि अपनी भावनाओं के अनुसार, परंतु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले हो सके मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि तू अपने सत्य को इन पर प्रकट कर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भर दे लॉर्ड, अपनी सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द लवली फादर, यू आर द केयरिंग एंड द किंग ऑफ पीस लॉर्ड फादर जीसस। वी प्रेज योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड फादर इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड। आई कमिट होल डे इन योर ऑलमाइटी हैंड लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्यारे पिता आप इन पर दया करें, आप इन पर दया करें प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार हमने प्रभु आज के वचन को सुना मेरे पिता, जैसे आपने यायर के जीवन में अद्भुत काम किया पिता, तूने उससे कहा मत डर केवल विश्वास रखा परमेश्वर पिता। आज की सुबह में ये वचन इस भाई इस बहन के लिए है, ये वचन मेरे लिए है। हाँ परमेश्वर पिता आज की सुबह में आपने हम सबसे कहा है कि मत डरो, केवल विश्वास रखो, परिस्थितियों को मत देखो। हालेलुया मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु आज की सुबह में पिता ये इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन के अनुसार अपने जीवन में जिए मेरे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु तेरा तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपने यायर की बेटी को पिता परमेश्वर जो मर गई थी पिता परमेश्वर, उसे तूने जीवित किया पिता। हाँ प्रभु यायर ने प्रभु जी तेरे वचन पर विश्वास किया, तेरे मुंह से कहे हुए वचन पर विश्वास के, उसी प्रकार ये भाई ये बहन प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करें, अपनी परिस्थितियों को ना देखें मेरे पिता परमेश्वर। जब परिस्थितियां प्रभु इनके जीवन में विपरीत हैं मेरे पिता, तो प्रभु ये अपने जीवन में उन विपरीत परिस्थितियों को ना देखें प्रभु, परंतु पिता तेरे वचन पर विश्वास करें लॉर्ड, क्योंकि तू विश्वास योग्य और धर्मी है पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की सुबह में मेरे पिता, जब इनके पास जॉब नहीं पिता, जब इनके हालात बिगड़े हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, बहुत ज्यादा
जीवन की ऐसी परेशानियां प्रभु जिनसे निकलना इनके लिए असंभव लग रहा है पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु ये यायर के जैसे तुझ पर विश्वास करे पिता, हाँ पिता परमेश्वर कि आज की सुबह में आप इन प्रभु ये डरे नहीं, अपनी परिस्थितियों को देखकर डरे नहीं पिता, हर एक डर इनके जीवन से चला जाए, परंतु ये विश्वास करें, आप इन्हें विश्वास करने का हृदय दे पिता, ताकि ये तेरे वचन पर विश्वास करें और तेरा वचन इनके जीवनों में प्रभु कंप्लीट और फुलफिल और बहुत सफल लेकर आए मेरे पिता। दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। आज की सुबह में पिता परमेश्वर जब ये भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे पिता, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को तुझसे कह रहे हैं पिता, आप जानते कि ये क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं किस परिस्थिति में, आप जानते हैं पिता क्या हालात इनके जीवनों में, इनके परिवारों में किस परिस्थितियों से ये गुजर रहे हैं पिता, सब आप जानते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड जब इन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन जब बीमारियों में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है मत डरो, मत डरो, केवल विश्वास रखो। हाँ परमेश्वर ये भाई ये बहन विश्वास रखे अपने बीमारी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने परिस्थितियों के लिए, अपने संकट मुसीबत विपत्तियों के लिए मेरे खुदावन तुझ पर विश्वास रखें प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, प्यारे पिता आज के दिन में प्रभु ये वचन इनके लिए पूरा हो, आप इन्हें अच्छा जॉब दें, आप इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दें, आप इन्हें संतान की आशीषें दें, आप इनके जीवन में प्रभु जो बंद दरवाजे हैं वो इनके लिए खोले, जो रुकावटें हैं उनको दूर करें मेरे पिता, जो भी चिंताएं मुसीबत संकट का समय है यीशु मसीह इनके जीवन से आप दूर करें मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी भजनकार दाऊद कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया, उसको उसके कष्ट उसे छुड़ा लिया। हाँ परमेश्वर पिता आपने पिता परमेश्वर इस भाई इस बहन की पुकार को, इनकी दुहाइयों को सुन लिया और पिता आपने कहा है वचन में कि तुम्हें तुम्हारे कष्टों से छुड़ा लिया है। हाँ मेरे पिता आपने इस भाई इस बहन को इसके कष्टों से छुड़ा लिया है पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह राजा, हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते यीशु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, यदि आज की सुबह में ये बीमार है मेरे पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए, आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें, आप उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं, जहां पे आपको दर्द हो रहा है, लॉर्ड मैं इन्हें आपकी उपस्थिति में रखती हूं। यदि प्रभु बीमारियों में है, दर्द में है, पीड़ा में है, कमजोरियों में है, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, हर एक दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया प्रभु धन्यवाद कि आपने इन्हें चंगा किया, आप चंगा करने वाले राफा है, इस भाई इस बहन के लिए तूने कोड़े खाए और तूने चंगा कर दिया प्रभु, धन्यवाद। हर एक कमजोरी आपने दूर कर दिए प्रभु, हर एक घबराहट, हर एक बेचैनी आपने दूर कर दिए लॉर्ड, हर एक बीमारी को आपने दूर कर दिया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु जब ये भाई बहन घरों से बाहर निकलते पिता, तो आप इन्हें और इनके परिवार को सुरक्षित रखें, आप सही सलामत इन्हें घर से बाहर ले जाएं और घर में प्रभु सुरक्षित लेकर आए, हर एक महामारी से, इस कोरोना वायरस से आप इन्हें इनके परिवार को प्रोटेक्ट करें लॉर्ड। जब ये बाहर ड्यूटीज करते हैं प्रभु, प्रभु जी हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं पिता, जो पिता परमेश्वर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डॉक्टर्स नर्सेज हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिनकी COVID-19 में ड्यूटी लगी है लॉर्ड, हम उनके लिए दुआ करते हैं लॉर्ड, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर। दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु उन्हें तेरे लहू में ढांपते पिता, तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु आज के दिन में हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं पिता, धन्यवाद करते लॉर्ड। आज के दिन में इनके हर एक काम सफल हों, कि सुख शांति समृद्धि आशीषें इनके परिवार में आए और आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, उन्नति भरा होने पाए, खुशियों भरा होने पाए, धन्यवाद पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्होंने पिता तेरे राज्य के लिए अपने दान और दशवांश को दिया है पिता, यीशु मसीह उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं मेरे पिता, तेरा वचन कहता है कि तू हर्ष से देने वालों से खुश होता है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन जो भी प्रभु इन्होंने तेरे राज्य के लिए बोया है पिता, आपने 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना रिटर्न करे, अपरंपार आशीषों की बारिश आप इनके जीवन में करें मेरे खुदा, धन्यवाद करते परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हां और आमीन में दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, आप निरंतर हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें।